हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बीके सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों का यह डिमांड था कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण पर एक वीडियो हिंदी में लाया जाए और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्हें अफेक्ट करते हैं, मतलब क्या क्या कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो वह प्रक्रम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स वह प्रक्रम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम ले कि कोई ए है और बी है, इससे मिलकर के बन रहा है सी, ए और बी मिलकर के सी, बल्कि डी भी ले लीजिए, सी और डी दोनों बना रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अगर ये हम एक रिएक्शन लिए हैं, एक अभिक्रिया लिए हैं, तो ये अभिकारक है और ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट, अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट और उत्पाद को अंग्रेजी में प्रोडक्ट, उत्पाद को अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स कहा जाए तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको मैंने बताया, अब एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करोगे कि वह प्रक्रम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने ये दो पदार्थ ए और बी लिया और लेकर के इनसे कोई पदार्थ बना रहे हैं, जो भी बन गया हो वो है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अगर एक लाइन में कहना हो तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसी को इंग्लिश वर्जन में करना हो तो प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ
new substance is known as chemical reactions. The substance participate in a chemical reaction is known as reactant, and the substance formed after the chemical reaction is known as product. The process of converting reactant into product is known as chemical reaction. Easily कह सकते हैं, लेकिन आगे chemical reactions तो हम जान गए कि अब बात आती है रासायनिक समीकरण. रासायनिक समीकरण तो देखिए, रासायनिक समीकरण अंग्रेजी में इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अंग्रेजी में इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं. तो जिन प्रतीकों अथवा सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है. जिन प्रतीकों अथवा सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है. जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है. हाइड्रोजन और क्लोरीन की परस्पर अभिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है. ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परस्पर अभिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है. तो अब बात आती है कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए. तो हाइड्रोजन का सिंबल मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 यूज करते हैं, क्लोरीन का Cl2 यूज करते हैं, और HCl के लिए 2HCl यूज करते हैं. ये बन गया H2 प्लस Cl2 और इट गिव्स 2HCl. मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड इस प्रतीक और सूत्र के द्वारा बनता है. इसीलिए इसे हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने का रासायनिक समीकरण कहते हैं. देखिए, ये क्लास जो है बाइलैंगुअल है, मीन्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, और इसमें आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी. नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना लीजिए, और वीडियो को जो है शेयर करना ना भूला करिए. अपना भी फायदा उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित करिए. ये मेहनत इसीलिए की जा रही है कि आप लोग इसका फायदा उठा सकें. और कमेंट्स कीजिए इस पर किस तरह से पढ़ाया गया. अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो उसको भी कमेंट करिए, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए. इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है. बाइलैंगुअल क्लास है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमको जैसे केमिकल इक्वेशन डिफाइन करना है तो हम कहेंगे द सिंबल्स आर नोटेशन विच आर यूज फॉर द डिनोटेड बाय द केमिकल रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. द सिंबल्स आर नोटेशन विच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. अब हम जान गए केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है. अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं. मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन में प्रेशर भी इफेक्ट करता है। देखिए प्रेशर इज दाब, दाब भी प्रभाव डालता है, ताप प्रभाव डालता है, मींस गर्म किया जाता है कहीं कहीं, उत्प्रेरक प्रभाव डालता है, उत्प्रेरक, तो दाब को प्रेशर, दाब को प्रेशर, ताप को टेम्परेचर, टेम्परेचर और उत्प्रेरक को कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक को कैटेलिस्ट और सांद्रता, सांद्रता मात्रा जो होगी, मात्रा भी प्रभावित करती है। तो सांद्रता के लिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये देखिए चार फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ये चारों फैक्टर्स रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये चारों कारक प्रभावित करते हैं, कहीं ताप बढ़ाकर तो कहीं घटाकर, कहीं ताप कम ताप पर तो कहीं ज्यादा ताप पर, उत्प्रेरक कहीं लिया जाता है तो कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, और सांद्रता कहीं कम लगती है तो कहीं ज्यादा लगती है, लेकिन जिस अमाउंट में आप लेंगे उसी अमाउंट में प्रोडक्शन, उसी अमाउंट में उत्पादन होगा। तो अब आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सांद्रता और उत्प्रेरक दो नए शब्द मिले हैं, तो इनको हम जान लेते हैं कि सांद्रता क्या होता है। दाब और ताप का तो समझ गए, प्रेशर का बढ़ाना घटाना और गर्म करना ठंडा करना। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। मीन्स उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कैटेलिस्ट बोलते हैं। द सब्सटेंसेज विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटेलिस्ट। कुछ मेटल्स हैं और सब्सटेंसेज हैं जो कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे आयरन है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकिल है, ये सब संक्रमण तत्वों की सीरीज में आते हैं और इन अभिक्रियाओं में यूज किए जाते हैं कैटेलिस्ट की तरह। मूलतः कैटेलिस्ट जो होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से कैटेलिस्ट यूज होते हैं। पीटी प्लैटिनम यूज होता है, पीडी, एनआई, निकिल, आयरन, कॉपर, ये सब यूज होते हैं कैटेलिस्ट की तरह, ये सब कैटेलिस्ट की तरह यूज होते हैं, मीन्स सब उत्प्रेरक की तरह यूज होते हैं। इसी में कुछ पदार्थ और भी आते हैं, जैसे उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने के लिए और उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाने के लिए। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को, जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उन्हें वर्धक, प्रोमोटर, जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उन्हें प्रमोटर, अर्थात उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करते हैं, उत्प्रेरक की एक्टिविटी को कम करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष, कैटेलिटिक पॉइजन, कैटेलिटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष, कैटेलिटिक पॉइजन। तो वर्धक में मॉलिब्डेनम एग्जांपल में यूज किया जाता है। इसमें बेरियम सल्फेट जो होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है पैलेडियम कैटेलिस्ट के लिए, पैलेडियम कैटेलिस्ट के लिए ये क्या करता है,
उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। इसका उपयोग जो होता है एक अपचयन अभिक्रिया है वो रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन में बेरियम सल्फेट का उपयोग पाइलेडियम कैटेलिस्ट की सक्रियता को कम करने के लिए किया जाता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग पाइलेडियम कैटेलिस्ट की सक्रियता को कम करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि मॉलिब्डेनम का उपयोग कहाँ किया गया जो वर्धक है, तो आप लोग हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण जब किया जाता है तो हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण को आयरन कैटेलिस्ट और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर अमोनिया बनती है। गर्म करने पर अमोनिया बनती है और इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये कंपाउंड आपका अमोनिया है, अमोनिया बन के तैयार हुआ और कुछ ऊष्मा इसमें उत्पन्न हुई। यह प्रदर्शित करता है कि अमोनिया का निर्माण एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आगे चल के इसको और बताएंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो इसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया या इक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा कराने के लिए किसी बाह्य स्रोत से एक्सटर्नल सोर्स से ऊष्मा ली जाती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी में आपका आता है कि केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं जान लीजिए। नंबर एक संकलन या योग अभिक्रिया, संकलन या योग अभिक्रिया, संकलन या योग अभिक्रिया, और दूसरा संकलन या योग अभिक्रिया, दूसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा विविस्थापन अभिक्रिया, विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा वियोजन अभिक्रिया, पांचवा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये कुछ मेन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। संकलन अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। विस्थापन में कोई किसी जगह ले लेगा, और द्विविस्थापन यहाँ आयनों का विनिमय होता है। वियोजन दो प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय वियोजन एक तापीय वियोजन, इसको भी पढ़ा जाएगा, और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी पढ़ी जाएगी। तो इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन में दो टाइप की है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन एक इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होगा और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन कैसे होगा इसको भी पढ़ा जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है इसको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन
आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है और पूरा देख करके और सारी जानकारी, बहुत बेसिक जानकारी, बेसिक टूल्स हैं, ऐसी जानकारी आपको जल्दी मिलती नहीं है, इसको आप लोग ग्रहण करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, जिससे कि आप आगे जब केमिस्ट्री पढ़ें नेक्स्ट क्लासेज में, तो आपको वहाँ समझने में कोई दिक्कत ना आए और दिक्कत ना आए, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस रहेगा उतनी अच्छी इमारत बनती है, उसी हिसाब से जितना अच्छा आपकी यहाँ बेसिक जानकारी होगी उतने ही अच्छे स्टूडेंट बनकर आप आगे उभरेंगे, आपकी विषय के प्रति उतनी ही अच्छी जानकारी होगी। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, रसायन विज्ञान बहुत टफ है, याद नहीं होता है, लेकिन रसायन विज्ञान के प्रति कितना समर्पण दिखाते हैं आप, ये भी देखने की जरूरत है। अगर आप समर्पण दिखाएंगे, अगर आप इसके पीछे रहेंगे, तो आपको समझ में जरूर आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए आपको मैं कैसे धीरे 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 करके रसायन विज्ञान में आपकी पकड़ कितनी अच्छी करवा दूंगा। ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि आपको ऐसा करके मैं दिखाऊंगा। मैं कहता नहीं, करता हूँ और ये मेरी आदत है, मैं जिस चीज़ की जिद ले लेता हूँ उसको पूरा करके दम लेता हूँ। आप लोग भी जिद लीजिए कि इसे सीख लेना है मुझे, इसको पूरा जान लेना है, इसको पूरा अपने उतार लेना है, अपने चलन में उतार लेना है कि ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसे हम करेंगे। तो आइए हम पहले लेते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन को एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। एडिशन रिएक्शन क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अभी एक रिएक्शन मैंने लिखा था, N2+3H2 अमोनिया बना था, 2NH3 H2+Cl2 2HCl बन रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एक ही पदार्थ बनाते हैं, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, या योग अभिक्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज न्यू सब्सटेंस। ओनली एक ही बनेगा, द रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। एक बार फिर से देख सुनिए, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपकी अमोनिया बन के तैयार हो गई, क्या बनी, अमोनिया। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपकी क्लोरीन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और भी रिएक्शंस हैं उनको लिया जाएगा, और पढ़ा जाएगा, इसको देखा जाएगा। ये संकलन अभिक्रिया स्टार्ट किया, थोड़ा सा आपको परिचय करा दिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे रिएक्शंस को वन बाय वन करके, इसको भी एडिशन रिएक्शन को भी फिर पुनः ले करके अपने अगले वीडियो में आऊंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और इसको पूरा कंप्लीट नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके इसको अच्छे से अध्ययन करें, जिससे ये आपको आपके दीर्घकालिक शक्ति स्मरण शक्ति दीर्घकालिक वाले में जाए, ज़्यादा दिन तक याद रहे और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें आप। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस पर कमेंट भी करिएगा, जो आपको लगे कि और ज़रूरत है, आपको और चाहिए बताइएगा, उसको भी बताया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।